माय रिकॉर्डिंग इज स्टार्ट। तो जो आपका 3650 24 पोर्ट वाला ये स्विच है, इसको पहले आपको पोर्ट ऐड करना पड़ेगा, इसमें पावर पोर्ट, उसके बाद आपका ये सीएलआई ओपन करेगा। तीनों स्विचेस के अंदर हमने कर लिया है। आप इसको वैसे क्या कहते हैं अपने लेयर टू स्विच पे भी चला सकते हो, जरूरी नहीं है कि मल्टी लेयर स्विच पे चलाना है। तो टास्क है मेरा आज, एक तो वीलैन कॉन्फ़िगर हो जाएगी आपकी दोबारा, ठीक है, और एक मेरा टी शूट भी हो जाएगा साथ में। तो एक बार दोबारा बता देता हूं जी, वीलैन जो आपका होता है वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए होता है, ठीक है, और सेम वीलैन वाले पीसी आपस में पिंग करेंगे, डिफरेंट वाले आपस में पिंग करेंगे। तो मैंने ये ले लिया 10.0.0.1, चलो विदाउट सबनेटिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10.0.0.2 10.0.0.3। अब आपसे साथ साथ में इसमें क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। 10.0.0.5 10.0.0.6 7 सॉरी अगर मुझे इसे सब नेटिंग से करना होता, ठीक है जी, 10.0.0.10 तो मैं आराम से /28 वाला आईपी ले सकता था यहां पे, क्योंकि 14 वैलिड आईपी आते हैं उसमें, और हमने जो यूज किए हैं वो सिर्फ 12 आईपी यूज किए हैं यहाँ पे। तो सबनेट मास्क में 255/255/255/248 आ सकता था। अब नॉर्मली पिंग करके देख लेते हैं जी, सभी को सक्सेसफुल है और ये अब आपका इधर भी सक्सेसफुल है, मतलब मल्टीपल पीसीज के ऊपर ये आपके सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। अब वीलैन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखो वीलैन बनाने के बाद, वीलैन करने के बाद यहां पे आपको बीच में ट्रंकिंग करनी पड़ेगी, ये बताया था मैंने पिछली बार। और अब यहां पे पोर्ट है गिग 1/0/1 1/0/2। तो पहले तो हम हर स्विच के ऊपर जाके कॉन्फ़िगरेशन मोड में वीलैन क्रिएट कर लेते हैं। वीलैन 10 नेम देना है तो दे दो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। नेम मैंने दे दिया इसका HR एग्जिट, VLAN 20 इसका नेम दे दिया मैंने मार्केटिंग एग्जिट, ठीक है जी। दूसरे स्विच के ऊपर 20 और 30 है, तो अगर VLAN 10 आपका HR है, VLAN 20 आपका मार्केटिंग है, इधर भी VLAN 20 आपका मार्केटिंग है, VLAN 30 आपका नेटवर्क है, VLAN 40 आपका सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है, और VLAN 10 अगेन आपका HR डिपार्टमेंट है। तो VLAN करने के बाद मैं चाहता हूँ HR से पिंग करें, मार्केटिंग मार्केटिंग से पिंग करें, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर आपस में पिंग ना करें। तो अभी मैं करने जा रहा हूं ये, आपने मुझे आंसर भी बताना है साथ साथ में। नेबल कॉन्फिग, ठीक है, इसमें मुझे वीलैन बनानी है जी 20, जिसका नाम मार्केटिंग रखा है मैंने ऑलरेडी, और वीलैन बनानी है जी मुझे इस पे 30, जिसका नाम नेटवर्क रखा है मैंने एग्जिट। 20-30 बना दी। अब देखिए लास्ट वाले के ऊपर वीलैन बना दी मैंने 40, जिसका नेम मैंने दे दिया सॉफ्टवेयर एग्जिट, और बना दीजिए वीलैन नंबर 10, जिसका नेम हमने दे दिया HR अगेन। तो जो जो वीलैन हमने बनानी थी वो हमने बना दी है,
आप शो वीलैन में देख सकते हो जाके एचआर और मार्केटिंग बन गए हैं, दूसरे वाले पे मार्केटिंग नेटवर्क, तीसरे पे सॉफ्टवेयर एचआर बन चुके होंगे। अब आपको पता है कि जब मुझे वीलैन पीसीज के पोर्ट को डिफाइन करवानी है तो मुझे एक्सेस पोर्ट यूज करना पड़ेगा, तो मैं इंटरफेस रेंज गीगा इथरनेट 1x0x1 से लेके 1x0x2 तक, सॉरी मैंने एफ नहीं डाला यहाँ पे, गीगाबिट इथरनेट 1x0x1 से लेके गीगाबिट 1x0x2 तक स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करना है और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन एन करना है। ये तो आपको याद ही होगा ऑलरेडी। सिमिलरली इंटरफेस रेंज के अंदर 3 से लेके जो 4 तक की रेंज है आपकी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करना है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20 करना है, डू शो हिस्ट्री। तो ये बिल्कुल सीसीएनए वाला मैंने कर दिया है, दोबारा आप इस पे भी डू शो वीलैन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि एचआर के अंदर 2 पोर्ट है और मार्केटिंग के अंदर 2 पोर्ट। सिमिलरली वीलैन बन चुकी है, इंटरफेस रेंज ये कौन सा है 1x0x1, ये है 2, तो सेम जैसे पिछले वाले में किया हमने, इंटरफेस रेंज गीगा 1x0x1 से लेके गिग 1x0x2 तक स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन कौन सा है जी, ये नंबर 20 मार्केटिंग वाला एग्जिट, और उसके बाद आपका 3 से लेके जो 4 वाला है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30 नेटवर्क वाला है, तो ये मैंने डाल दिया। उसके बाद आप लास्ट वाले राउटर पे जाओगे, इंटरफेस रेंज गिग 1x0x1 2 गिग 1x0x2 तक स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 40 सॉफ्टवेयर वाला, और जो रेंज दिया हमने 3 से लेके 4 तक स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। लो जी सारे वीलैन कॉन्फ़िगर हो गए हैं, तो अब मैं पिंग करने की कोशिश करूंगा यहां पे, ये देखो 10 और 20 नहीं होंगे आपस में, ठीक है 20 और 30 नहीं होंगे आपस में, 40 और 10 नहीं होंगे आपस में, बट अगर आप यहां पे 20 और 20 को पिंग करवाना चाहते हो तो वो तो होने चाहिए। जब पहला क्वेश्चन आपसे मेरे लिए ये है, सॉरी मेरे से आपको क्वेश्चन ये है कि 20 और 20 आपस में पिंग क्यों नहीं हुए, उसके बाद में वीलैन 10 और 10 आपस में पिंग क्यों नहीं हुए, तो मैं रिकॉर्डिंग यहां पॉज कर देता हूं आपके आंसर सुनने के लिए, और जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा तो मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा। तो मैं रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर दिया, और किरण का आंसर है कि जब तक हम ट्रंक कमांड नहीं लगाएंगे स्विच टू स्विच के अंदर तब तक हमारा पिंग नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक है, चलो ये काम कर लेते हैं। तो मैं अभी स्विच के 1x0x5 पोर्ट पे इंटरफेस गिग 1x0x5 पोर्ट पे कमांड लगा देता हूं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और देखो अब जब आप क्या कहते हैं सीसीएनए में नॉर्मल स्विच के ऊपर कर रहे थे तब उसने बोला था ट्रंक लग जाएगी, लेकिन अब आप बड़े मल्टीलेयर स्विच पे कर रहे हैं वो कह रहा है कि ट्रंक एनकैप्सुलेशन इज ऑटो दैट कैन नॉट बी कॉन्फ़िगर टू ट्रंक मोड, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा स्विच पोर्ट मोड क्वेश्चन मार्क। देखो ट्रंक उसने उठाया नहीं, एक्सेस हम दे नहीं सकते, तो हमारे पास एक ऑप्शन है डायनामिक डिजायरेबल, हम इसको डायनामिक डिजायरेबल बना सकते हैं, उसके बाद आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लगाओगे, ये चीज सीसीएनए में हमारा नहीं हुआ था। तो डायनामिक डिजायरेबल एक चीज याद रखना, डिजायरेबल मोड को आप ट्रंक बना सकते हो, ऑटो मोड को आप नहीं बना सकते। चलो यहां पे कर दिया,
अब सिमिलरली मैं इस स्विच के 1/0/6 पे भी कर देता हूं, क्योंकि हमें एक साइड पे ही करने की जरूरत पड़ती है। 1/0/6 स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डिजायरेबल, और अब इसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हो जाएगा। ठीक है जी, अब दोबारा ट्रंक लगाने के बाद हम टी शूट चेक करते हैं, क्या मेरा व्हील एंड 2020 से पिंग हुआ? जी बिल्कुल, आपका 2020 से पिंग हो चुका है। सो अगर आप इसको सिमुलेशन के अंदर देखना चाहते हैं तो आप इजीली इसको देख सकते हैं। ये देखिए जी, 20 वाला पैकेट 20 की तरफ ट्रंक मोड के थ्रू जा सकता है। डन, अब चलते हैं जी इसी के साथ, अब देखते हैं क्या 10 वाला पैकेट 10 तक पहुंच गया है जी। अच्छा पहली बार हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है जी। ये लो 10 से 10 को किया मैंने दोबारा, ब्रॉडकास्ट हुआ लेकिन आगे चला गया पैकेट, इसने इसको वापस भेज दिया तो ये फेल हो गया है। अच्छा चैट आई है जी किसी की, सर अच्छा 1/6 क्यों लगाया? क्योंकि सर इधर भी तो ट्रंक जरूरी है ना, अगर ये वाले दो स्विचेस के बीच में ट्रंक लगा दिया तो इधर वाले भी दोनों में से कोई एक लिंक ट्रंक होना चाहिए। देखो या तो मैं बीच वाले दोनों स्विचेस के ट्रंक कर देता, ये गिग 0/1/5 और 6, तो मुझे यहां पे और यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। अब इस कनेक्शन को इधर बनाने के लिए बीच में ट्रंक लगाया है, इधर का कनेक्शन बनाने के लिए यहां ट्रंक लगाया है। ठीक है दिव्यांशु जी, तो दोनों में से कोई एक पोर्ट स्विच का ट्रंक होना चाहिए। लेकिन अब आते हैं रियल टाइम में दोबारा, 20 to 20 तो पिंग हो गया, अब मुझे आंसर करो कि ट्रंकिंग भी सक्सेसफुल हो चुकी है लेकिन वीलैंड 10 से पिंग नहीं हो रहा, अभी भी फेल आ रहा है जी। क्यों फेल आ रहा है जी बताओ मुझे, और रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए शॉर्ट कर देता हूं, जब आंसर आ जाएगा आपकी डिस्कशन से तो मैं ऑन कर दूंगा। ओके, तो हमने काफी ट्राई कर लिए यहाँ पे, बट हमारा 20 to 20 पिंग हो गया बट 10 to 10 पिंग नहीं हो रहा। ये देखो, अब रूल ये कहता है कि दो स्विचेस के बीच में ट्रंक होना चाहिए, दैट इज गुड, लेकिन यहां पे एक चीज की कमी है। देखो जब भी वीलैन 10 का पैकेट, जब भी वीलैन 10 का पैकेट यहां पे जाने की कोशिश कर रहा है तो पहले वो स्विच पे जा रहा है, मतलब राउटर पे अपने पे स्विच पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, आगे गया, ठीक है, और आगे गया, लेकिन आगे से वापस आ रहा है वो, आप देखो ब्रॉडकास्ट हो रहा है बार बार, क्यों नहीं जा रहा है जी वो आगे? बिकॉज जो मेरा बीच वाला स्विच है यहां पे वीलैन 10 का कोई टैग ही नहीं है। अगर वीलैन 10 ने इधर 10 पे जाना है तो पास तो यहीं पे होगा ना वो, तो आपको यहां पे या तो यहां वीलैन 10 का कोई पीसी होता तो हम वीलैन बनाते, अब यहां पे वीलैन 10 का कोई पीसी नहीं है, तो एक आंसर हो सकता है इसका कि अगर वीलैन 10 ने इधर वीलैन 10 पे जाना है तो बीच वाला जो स्विच है, चाहे इसमें कोई पोर्ट हो या ना हो, मुझे इस पे खाली वीलैन 10 बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, जैसे ही मैं व्हील एंड 10 यहां पे खाली बना दूंगा, चाहे इसमें कोई पोर्ट नहीं है, लेकिन जो मेरा पैकेट है व्हील एंड 10 का इधर 10 तक, पहले फेल हो गया वो, अब देखो वो सक्सेसफुल हो गया। क्यों सक्सेसफुल हुआ है जी वो? क्योंकि अब पैकेट यहां से यहां जा रहा है, कहां गया ये, तो ये पहले गया अपने स्विच पे, आगे गया, अब इसको आगे ट्रैफिक मिल गया आगे जाने के लिए। अगर बीच में मेरा वीलैन 10 ना होता यहां पे तो ये मेरा पैकेट आगे नहीं जाना था। इस कॉन्सेप्ट को आप बोल देते हो जी वीलैन टैगिंग। तो अगर आप मल्टीपल स्विचेस के ऊपर अपने पैकेट को आगे लेके जाना चाहते हो, उसको बोलते हैं कि बीच वाले स्विच पे हमने वीलैन को टैग किया। तो इस टैगिंग वाले टॉपिक से
हम ये कह सकते हैं कि हमने VLAN trunk end टैग करना जरूरी है हमें, अगर टैगिंग हमारी नहीं अवेलेबल होती तो ये पिंग नहीं होना था। मान लो एक स्विच मेरा नया है, अभी इसका आंसर है सेंटर चली VLAN टैग, हाँ जी सिर्फ कमांड दिए। मान लो मैंने यहां पे एक नया पीसी लगाया है पहले स्विच पे, दो लगाए हैं, समझना जरा मेरी बात को, दो पीसी लगाए हैं मैंने, एक लगा दिया यहां 1/0/6 से और एक लगा दिया जी 1/0/7 से, जो इसको आईपी दे देता हूं मैं अपनी मर्जी से 10.0.0.13 और इसको आईपी दे देता हूं मैं 10.0.0.14। अभी तो ये किसी भी VLAN में नहीं है, ठीक है, तो अभी ये जस्ट आपस में पिंग करेंगे, दैट्स इट। लेकिन मैं 1/0 मतलब इस वाले जो पीसी है मेरा 1/0/6 इसको मैं VLAN 40 में डालूंगा और इसको मैं VLAN 30 में लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये VLAN 30 में और ये VLAN 40 में, तो 1/ ध्यान देना यहां पे VLAN नाम देने की जरूरत नहीं है, VLAN 30 भी बना लेता हूं, VLAN 40 भी बना लेता हूं, इंटरफेस गेट 1/0/7 है जो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30 में डाल दिए इसे, और जो 6 वाला है पोर्ट मेरा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस इसको VLAN नंबर 40 में डाल दिया, ठीक है जी। अब ट्रंकिंग मेरी हो चुकी है, तो रूल बोलता है कि अगर 30 ने 30 से पिंग करना है तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी 30 है, यहां पे भी 30 है, और अगर 40 वाले ने 40 से पिंग करना है तो वो नहीं हो रहा। चेक कर लो क्यों नहीं हो रहा, अगर तो ये स्विच मेरा डायरेक्टली पहले स्विच से जुड़ा होता तो इसको टैग लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बीच वाले स्विच पे कोई VLAN 40 है ही नहीं, तो अगर मुझे पैकेट पास करवाना है तो खाली VLAN 40 बीच वाले में बनानी पड़ेगी, जैसे ही VLAN आपकी बन जाएगी 40 वाला आपका आपस में पिंग कर लेगा। अब आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम टॉपिक करते हैं ये, तो इस टॉपिक के बाद VLAN करने के बाद हम VTP टॉपिक का यूज करते हैं, VTP का यूज ही इसलिए होता है हमारा ताकि सारे स्विचेस पे सारी VLANs ऑटोमेटिकली बन जाए। क्लियर है जी, अभी का टॉपिक क्लियर है, VLAN ट्रंकिंग और टैगिंग वाला टॉपिक अगर किसी को नहीं पता चला तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। जो पीसी वाले पोर्ट होंगे वो एक्सेस पोर्ट हैं, और जो ये वाले आपके स्विच टू स्विच वाले पोर्ट हैं वो ट्रंक पोर्ट हैं। बाय डिफॉल्ट जो लेयर 3 स्विच है इस पे ऑटो मोड था तो हमने डायनामिक डिजायरेबल किया, तो वीडियो में आपको भेज दूंगा, अभी मैं इसको स्टॉप करने जा रहा हूं।